तमाम मुश्किलों के बीच आखिरकार पद्मावत रिलीज हुई और दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही। बवाल जिस पर हुआ उस रानी से ज्यादा तो दर्शक खिलजी के खौफ में ही खो गए। खिलजी जैसे किरदार जिसने दर्शकों और क्रिटिक्स के दिमाग पर अमीर छाप छोड़ी, उसे निभाने के लिए शायद ही कोई स्टार इस तरह के रोल को अदा करने का रिस्क लेता। खिलजी रोल में नजर आए रणवीर ने खुद कबूला कि वो इस रोल को प्ले करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। रणवीर सिंह ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया, आई एम स्केर्ड, आई एम प्लेइंग एन एंटी हीरो, ओनली व्हेन आई सी द फिल्म विल आई बी एबल टू असेस माय कैरेक्टर। इट्स अ रिस्की मूव फॉर मी, दैट्स व्हाई आई टुक सो मच टाइम टू साइन इट। रणवीर ने आगे बताया कि फॉर अ मेनस्ट्रीम लीडिंग मैन टू मेक अ चॉइस लाइक दिस एट दिस स्टेज इज डाइसी। It's a despicable character. He is mean. One of my seniors, who I believe is one of the greatest actors of all time, advised me to be careful. She told me the Indian audience is naive. If they love a character, the love will transfer to the actor who played it. In this case, if they hate my character, the hate will transfer to me. खैर रणवीर, हम तो यही कहेंगे कि कुछ भी हो, फिल्म में जिस तरीके से आपने रोल को निभाया है उसे देखकर तो ये साफ पता चलता है कि आपने वाकई में खिलजी बनने के लिए बहुत मेहनत की है। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आनम एफ न्यूज़।